मिशन 25 को फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद राजधानी जयपुर की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस जनसंपर्क अभियान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अब आक्रामक प्रचार में जुट चुकी है और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर जाकर लोगों के हाथ में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा दिया और कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्चना शर्मा, विधायक अमीन कागजी, कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल और महापौर विष्णु लाटा सहित सैकड़ों कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जनता का पूरा सहयोग और समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। आप मतदाता के घर जाकर के गली में मोहल्ले में दुकान में जाकर के आप वोट मांगो तो गरीब आदमी का मान सम्मान बढ़ता है कि हमारे घर कोई मांगने आया, मेरे पास कोई अमूल्य चीज़ है वो मांगने आ रहे हैं, उसी से लोकतंत्र जिंदा है, उसी से मान सम्मान बढ़ता है मतदाताओं का। और मैं समझता हूँ ये पर मीटिंग करते हैं, अपील करते हैं, मीटिंग हो, सभा हो, कौन मीटिंग हो, घर घर अभियान हो, ये अभियान चलते रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, उसमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका है, वो इलेक्शन कमीशन खुद को ही एहसास होना चाहिए। जनता की भी जा रहे हैं, जनता जनार्दन है, पब्लिक माई बाप है, वो निर्णय लेगी, हम अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। प्रदेश में भी आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कांग्रेस को? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक पसंद कर रही है कांग्रेस की सरकार के कामों को और मिशन 25 पूरा।